आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। नाज़रीन दर्शकों, सभी को पता है कि दिवाली पे बिरादरान वतन और ईद पर हम मुसलमान भाइयों का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जहां मजदूर रात दिन मेहनत कर अपना खून पसीना बहाता है, तो वहीं उसे एक कानूनी अधिकार भी दिया गया है कि वो साल में एक मर्तबा अपने मालक से, जहां वो काम करता है, जॉब करता है, कानूनी अधिकार और कानून ही नियम के हिसाब से जितनी उसकी महीने भर की तनख्वाह बनती है, उतना ही उसका बोनस यानी के हकरजा भी बनता है। इसी को लेकर मालेगांव शहर में कई मजदूर यूनियन हर साल रमजान के मुबारक महीने में मजदूरों को हकरजा वक्त पर मिले और जितना उनका हकरजा कायदे से बनता है उतना सरमायादारों की ओर से दिया जाए, इसकी मांगनी करते रहते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि हर बरस कोई भी सेठ ईमानदारी से अपने मजदूरों कारीगरों को बोनस देता हुआ दिखाई नहीं देता है। कहीं 2000 तो कहीं 1500 तो कहीं 2500 कहीं 3000 रुपए के ऊपर बोनस नहीं दिया जाता, जबकि कुछ तंजीमें और यूनियन के लोगों ने इस साल फिर कामगार अधिकारी से रास्ता कायम किया और उसके ऊपर एक आदेश लेटर भी निकालने की दरख्वास्त की कि जिसपे कामगार अधिकारी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कारखानेदारों को और मालिकान हुकूक रखने वाले लोगों को इसमें ये अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अपने अपने लेबरों को वक्त से पहले और कायदे के हिसाब से उनका बोनस, उनका हक रजा अदा कर दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। तो यहीं मालेगांव तालुका पावरलूम साइडिंग एसोसिएशन जो संगठन है, उनकी ओर से भी यहां पर मांग की गई थी और उनकी मेहनतों का ये सिला है कि एक लेटर निकाला गया है और उसके ऊपर कामगार अधिकारी ने खुद एक आह्वान वीडियो जारी किया है, जिसे हम आपको सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने खुद मालिकान हुकूक रखने वाले सरमायादारों और फैक्ट्री साइजिंग पावरलूम और जितने लोगों के पास कामगार है, वो सभी लोग अपने अपने कामगारों को वक्त से पहले उनका कायदे के हिसाब से जो बोनस बनता है वो दे दे। अगर नहीं दिया जाता है और कोई भी प्रकार की शिकायत अगर कामगार अधिकारी के पास में जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कहा कामगार अधिकारी ने और क्या अल्टीमेटम दिया है सरमायादारों के लिए। मालेगाव शहरातील सर्व पावरलूम साइजिंग गाट प्रेस व इतर आस्थापना मालकांना जाहीर आवाहन करतो। दरवर्षी आपण कामगारांना हक्क रजा बोनस ईदच्या 8 ते 10 दिवस अगोदर वाटप करता। चालू वर्षाची ईद काही दिवसावर राहिलेली असून सर्व मालकांना आवाहन करण्यात येत आहे की कामगारांना हक्क रजाचे वेतन व बोनस प्रदान अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार किमान 8.33% ते कमाल 20% तात्काळ वाटप करावा, जेणेकरून कामगारांना ईद साजरी करता येईल। तसेच वेतनासंदर्भात बोनससंदर्भात काही तक्रार असल्यास सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय मालेगाव येथे आस्थापनेचे नाव, मालकाचे नाव, पूर्ण पत्ता सह तक्रार लेखी सादर करावी। यंत्रमाग कामगारांना बोनस अदा करण्याबाबत दिनांक 9/2/24 रोजी अध्यक्ष पावरलूम विकास समिती मालेगाव, सचिव पावरलूम उद्योग बुनकर असोसिएशन मालेगाव, अध्यक्ष पावरलूम ॲक्शन कमिटी मालेगाव, तसेच मालेगाव तालुका साइजिंग व जनरल कामगार युनियन यांना त्याची प्रत दिलेली आहे। बोनस कम से कम 8.33% से 20% तक देना चाहिए। ज्या कामगारांना बोनस कमी मिळाला असेल त्यांनी त्याबाबत तुम्हाला सांगितल्यानुसार त्या आस्थापनेचं नाव, पत्ता व बोनस कमी मिळाल्याबाबत तक्रार या कार्यालयात लेखी सादर करावी, त्यानुसार पुढील नियमानुसार काय असेल ती कार्यवाही करणे। सेटों को ये चाहिए कि ईद की इस खुशियों को दोबाला करने के लिए और रमजान मुबारक के इस मुबारक महीने में जहां हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, तो वहीं हमें अपने वहां काम करने वाले मजदूरों
लेबरों और कामगारों का भी ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, जवाबदारी और दीनी फरीजा भी है। कानूनी दायरा तो है ही है, उसके अलावा दीनी एतबार से भी इसकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लाजिम होती है।